मैं 247 ऑनलाइन टीवी के लिए इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरा नाम शमशाद कुरैशी है और मैं इस प्रोग्राम में कोशिश करूँगी आपको कि आपके घर को कैसे पौधों से सजाया जा सकता है, फूलों से कैसे सजाया जा सकता है और कैसे पौधे लगाए जा सकते हैं, आपकी गैलरीज, आपकी दूसरी छोटी जगह पर, बड़ी जगह पर कैसे आप उसको अपने घर को सजा सकती हैं इससे। और आज ये मेरा पहला प्रोग्राम है तो मैं इसलिए कोशिश चाह रही हूँ कि आपको इस सब चीज़ों के लिए जिस औजार, जिस टूल्स की ज़रूरत होती है, जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको एक कटर चाहिए होता है जिसके साथ आप टहनियाँ, आपके पौधे, आप उनको काट सकें, उनको शक्ल दे सकें कोई भी। दूसरी, फूल काटने के लिए एक हमें कटर से कम एक कैंची चाहिए होती है, जो कटर चाहिए होता है बड़ी टहनियों को काटने के लिए, छोटी कैंची चाहिए होती है छोटे फूल काटने के लिए। और फूल सजाने के लिए एक ये, हम इसको पिन होल्डर कहते हैं, जापान में इसको कैंजन कहा जाता है, मगर हमारी आम जुबान में हम इसको पिन होल्डर भी कहते हैं। ये आम दुकानों पर आपको जहाँ पर पौधों के बीज, पौधों की चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पर आपको मिल जाता है। बहुत आसान है, हमारा अपना पाकिस्तान का बना हुआ है, कोई चीज़ ये बाहर की नहीं है। हमारे कटर भी यहाँ के मिल जाते हैं, हमें अपनी कैंचियाँ भी यहाँ की मिल जाती हैं, सब चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। एक फूल सजाने के लिए इसको ओसिस कहते हैं, ये बाहर का है, ये हमें यहाँ पर आम मिल जाता है, कोई इसको ख़रीदने की कोई मुश्किल नहीं है। बेसिक हमें दो कैंचियाँ चाहिए होती, कटर, कैंची, पिन होल्डर, ये फूल सजाने के लिए। पौधे लगाने के लिए सिर्फ आपको कैंचियाँ चाहिए होती हैं, खुरपी चाहिए होती है, दूसरी चीज़ें चाहिए होती है। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह मैं आपको वो भी दिखा दूँगी, ये भी फूल लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। और फूल सजाने के लिए आपको किसी किस्म की भी ट्रे, ज़रूरी नहीं कि आप जाके बाज़ार से कोई ख़ास चीज़ ख़रीदें, आपको एक प्लास्टिक की ट्रे से भी काम चल जाता है। दूसरी चीज़, आप मिट्टी का कनाली ले लें, हमारे यहाँ आम मिलती है, उसको थोड़ा नीचे से कलर रंग लगा के, पेंट लगा के उसको सील कर दिया जाता है, उसमें से पानी नहीं निकलता, आप उसमें भी एक पिन होल्डर रख के अपने फूल सजा सकती हैं, उसमें पौधे लगा सकते हैं, उसमें कोई भी तरह से उसको आप इस्तेमाल कर सकती हैं अपने घर में। ये मेरे पास ट्रे है, मैंने इसीलिए आपको एक ही ट्रे दिखाई थी छोटी, इस प्लास्टिक की ट्रे में भी हो सकता है। मैंने ये ग्लास की ट्रे बनवाई हुई है, ये भी यहीं बनी हुई है। ये मैं इस वजह से बड़ी ट्रे इस्तेमाल कर रही हूँ कि गर्मी का मौसम है, आप फूलों के साथ आप किसी कमरे में रख रहे हैं, अपने घर में रख रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि पानी भी आपको नज़र आए, पानी से सूदिंग फीलिंग आती है, आपको एक अच्छा लगता है कि पानी भी नज़र आ रहा है, आपको फूल भी नज़र आ रहे हैं, पौधे भी नज़र आ रहे हैं। मैं उसके लिए ये इस्तेमाल कर रही हूँ, ये पिन होल्डर रख रही हूँ, मैंने इसमें पहले पानी डाल दिया है। ये बहुत आम पौधे की एक टहनी है जो मैंने काटी है, एक अच्छी शक्ल की देख के जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो मैंने इसको काटा है। और ये आम पौधा है, मेहंदी का पौधा है, आम घरों में सड़कों पर बहुत जगह लगा हुआ होता है, ये इसको मैं लगा रही हूँ। ये मेरी बेसिक लाइन है, इसको मैंने ऐसे ही है जैसे एक आप दरिया पर खड़े हैं, आप कहीं पानी की जगह पर खड़े हैं, आमतौर पर आप देखते हैं नेचर यही दिखाती है, हमारे कुदरती तौर पर हमारे दरख्त इसी तरह जाते हैं, ऐसे ही होते हैं। ये मेरी बेसिक लाइन है, इस तरह कुदरत भी ऐसे ही हमारे दरख्तों को उगाती है, हमारी चीज़ों को लगाती है। उसके बाद मैं इसमें कलर के लिए ये मैं बेसिक लगा रही हूँ, ये मेरे पास करौंदे का पौधा है, ये मैं इसको अरेंज कर रही हूँ, यहाँ पर रख रही हूँ, इसको कलर दे रही हूँ। बहुत सारे घरों में करौंदा होता है लगा हुआ, क्योंकि इसका दरख्त बहुत खूबसूरत होता है, लोग इसको शौकिया इस कलर के लिए भी लगाते हैं। वैसे आपको बाज़ार में इसका बहुत अचार भी डला हुआ मिलता है। और कभी ऐसा होता है कि आपके घर मेहमान आ रहे हैं, शाम को दावत है, आप नहीं जा सकती, आप फूल नहीं ख़रीद सकती और उस पर ख़र्चा भी नहीं करना चाहते कभी हम, तो आपके घर में बहुत सारा लगा है, ये बोगनविला है, हर घर में तकरीबन लगा होता है, हर रंग का लगा होता है,
मेरा ये भी पिंक कलर का है, ये ग्रीन है, तो इसको शक्ल देने के लिए मैं सिर्फ़ एक ही रख रही हूँ। ये मेरी बेसिक अरेंजमेंट है, मैंने इसके ऊपर कोई ख़र्चा बाहर से नहीं किया है। ये भी घर का था, ये बोगनविला भी घर पर है, ये भी पावाजा घर पर है, इस पर मैंने कोई ख़र्चा नहीं किया है। अगली दफ़ा दिखाएंगे आपको, फूलों के साथ भी दिखा देंगे। हमारे लोकल फूल बहुत मिलते हैं, पाकिस्तानी फूल बाहर के भी आते हैं, लेकिन आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी चीज़ मैं इसमें बाहर की ना इस्तेमाल करूँ। ये एक सिर्फ इसको, ये भी आम घरों में लगा होता है पत्ता, ये बहुत सारे पत्ते हमारे घरों में होते हैं लगे हुए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती लगाने के लिए। सिर्फ इसको एक खूबसूरती देने के लिए मैं इसको लगा रही हूँ। ये मेरी आज की अरेंजमेंट है, इसको किसी भी वक्त किसी भी अपने घर से चीज़ें निकाल के आप बना सकते हैं। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं नई टेक्निक, नया चीज़ों के साथ, नए तरीके से आपको बनाकर दिखाऊंगी। और हम ये भी दिखाएंगे कि आप अपने प्लांट्स वगैरह कैसे लगा सकते हैं, और सब चीज़ें भी आपको दिखाएंगे अरेंजमेंट के अलावा। और मैं आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार करूंगी। अगर आप लोग कोई पसंद आती है, आप लोग चाहते हैं कि यह सिखाती रहूँ, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर अगली दफ़ा सिखाएंगे हम आपको। और उस वक्त के लिए खुदा हाफिज़। بسم الله الرحمن الرحيم